सिद्धार्थनगर जिले में नेपाल से सटे अलीगढ़वा कस्बे में दुकानों में आग लगने से 6 वर्षीय एक बच्चे सहित 2 लोगों की मौत हो गई। घटना की वजह फ्रिज कंप्रेसर और सिलेंडर में विस्फोट बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस घटना में करीब दर्जन भर दुकान पूरी तरह से जलकर खाक हो गई और विस्फोट से कई दुकानों की दीवारें भी गिर गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोपहर करीब 1 बजे अचानक से बहुत ही तेज विस्फोट की आवाज आई। आवाज सुनकर लोग घटनास्थल की तरफ दौड़े। वहां का मंजर देखकर लोगों की सांसें रुक गई। अलीगढ़वा कस्बे की इस मार्केट में बड़ी संख्या में लोगों ने अपने गोदाम बना रखे थे। इन्हीं गोदाम के किसी एक दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। इस आग की चपेट में वहां पर रखे करीब आधा दर्जन फ्रिज, वहां खड़ी मोटरसाइकिल भी आ गई, जिसकी वजह से आग ने विकराल रूप ले लिया और उसका दायरा लगातार बढ़ता रहा। लोग जब तक आग पर काबू पाते तब तक वहां झुलसने से 2 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक 27 वर्षीय युवा के और 6 वर्षीय लड़का शामिल है। घटना स्थल पर स्थानीय लोगों के साथ पुलिस और फायर की काफी मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया जा सका। इस घटना में करीब 4 लोग घायल हैं, जिनको मामूली उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। सिद्धार्थनगर से संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। ये हादसा हुआ, ये कितने बजे हुआ और वजह क्या थी? अलीगढ़वा मार्केट में अभी आग लगने की सूचना मिली, तुरंत तत्काल हमारी टीम पहुंची है और 2 मृत की सूचना मिली और शेष घायलों को अस्पताल भेजा गया है और काफ़ी आग में 90% ने कवर कर लिया गया है, आग बुझ गई है और जो अस्पताल में है उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी आग कैसे लगी, एक फ्रिज की दुकान थी उसी में आग लगी है, शेष और चीज़ों की जांच होगी, जैसा तथ्य सामने आएंगे उसको देखा जाएगा, लेकिन प्रथम दृष्टया सभी जो घायल हुए हैं उनके उपचार की व्यवस्था की जा रही है। नहीं, ऐसा अभी कोई साक्ष्य नहीं मालूम मिला है कि पटाखे कोई साक्ष्य नहीं मिला, फिर भी जांच का विषय बन रहा है, जब जांच किया जाएगा जब कोई साक्ष्य मिलता है तो उसकी कार्रवाई की जाएगी। ये जो हादसा हुआ है, ये कब हुआ, कैसे हुआ? ये देखिए, फायर सर्विस नौगढ़ को 12:56 पर एक कॉल आई कि ये अलीगढ़वा कस्बा है और इसमें जो है ये नेपाल बॉर्डर पर पड़ता है, ये कॉमर्शियल मार्केट है पूरा और कुछ इसमें जो छोटी छोटी दुकानें बनी हैं उनको गोडाउन के रूप में उपयोग किया जा रहा है। तो प्रथम दृष्टया इसमें जैसा कि एक छोटा सिलेंडर भी मिला है और कुछ कंप्रेसर हैं एसी के, वो आग लगने से वो भी फटे हैं, तो इस वजह से दुकानें डैमेज हुई। लगभग 10-12 दुकानें इसमें पूर्ण क्षतिग्रस्त हो गई, 1 4 साल का बच्चा और एक जो है व्यक्ति लगभग उम्र 55 वर्ष, ये जो है कैजुअल्टी हुई है। अभी ये कहना मतलब क्लियर नहीं है, इसका कॉज ऑफ फायर शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, बट सिलेंडर मिला है और उसका उपयोग जो जनरली चाय वाय बनाने के लिए करते हैं तो वो प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है। नहीं, यहाँ पे जो है ऐसा नहीं कुछ फिलहाल दिखा, बट क्योंकि काफ़ी छोटी दुकानों में सामान भरा हुआ है तो ये इस तरह के मटेरियल नहीं रखने चाहिए, इसके लिए जो है पुलिस और फायर सर्विस ये अभियान चलाकर चेक करेंगे। जी जी, एक बच्चा 4 साल का और एक मृतक है 55 वर्ष। नहीं, पटाखे का अभी फायर सर्विस की जानकारी में नहीं है, बाकी पुलिस को उसको सर्च और ये आगे कार्रवाई की जाएगी पुलिस के द्वारा। अब नुकसान तो या सर अभी इसका आकलन जो है जो इनके दुकानदार हैं वो बता पाएंगे, क्योंकि इसमें मेटल तो 10-12 दुकानों का नष्ट हुआ है, 2-3 बाइक भी हैं इधर दिख रही तो वो भी डैमेज हुई है और ये लगभग छत पूरी कमज़ोर होगी फिलहाल, इसमें अंदर आग को बुझा दिया गया पूर्णतः, बट बाकी अभी इसमें अंदर जाना मतलब सभी को मना किया गया है, ये बैरिकेडिंग किया गया है, सुरक्षा के दृष्टि से अंदर जाना ठीक नहीं है। थैंक यू।